हे गाइस, ये साजे रेनू शो। आपको मेरी इच्छा थी कि आपको मेरे पेट्स या मेरी काऊ और वो दिखाए जाए, इसलिए मेरी इच्छा पर मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये मेरे चैनल पे सेकंड वीडियो है, इसलिए मैं और भी एक्साइटेड हूँ। सो आप इधर आके देख सकते हैं, ये मेरा डॉगी है, बहुत क्यूट सा डॉगी है। इसका नाम मैंने मोनू रखा है। ये मेरा डॉगी है। अगर घर में कोई आए, इसको इतनी भनक लगती है, मतलब ये पूरे घर को सिर पे ले लेता है। इतना ये अभी सो रहा है, सुबह सोता है। ये सोने की आदत है इसे मेरे जैसे ही। और आप इसको पीछे देख सकते हैं, इधर मेरी साइकिल खड़ी है। ये अभी मुझे मेरे पापा ने परसों ही गिफ्ट की। और आप इधर देख सकते हैं, ये हमारे काऊ और उनके छोटे छोटे बेटे हैं, डॉटर्स है। आप देख सकते हैं, ये मेरी काऊ है हमारे घर की, बहुत अच्छी काऊ है। ये हमें कभी भी लात नहीं मारती, वहाँ से अगर हम उसके पास जाए तो कभी हमें ये सिंग भी नहीं दिखाती, मतलब बहुत ही शांत गाय है। ये गाय मेरे मामा ने इधर हमारे घर पे इधर ला के दी, क्योंकि मेरे दीदी को मिल्क बहुत पसंद है दूध पीना, इसलिए मेरे मामा ने हमें एक गाय दे डाली। सो इसका नाम भी हमने पैठनी रखा है, मेरे मतलब हमारे मामा ने इसका नाम पैठनी रखा है। हम सोच रहे थे इसका नाम बदले, पर मामा ने नाम रखा है, इसकी वजह से हमने इसका नाम पैठनी रखा और हमने इसका नाम बदला भी नहीं। सो आप देख सकते हैं, बहुत शांत गाय है हमारी, दूध भी निकालने देती है। और ये हमारी नेक्स्ट इस गाय की डॉटर है। हमने इसका नाम हमने रानी रखा है, क्योंकि हमारे गाय के बाद इसने ये फर्स्ट डॉटर दी थी, और इसका नाम हमने रानी दे रखा है, क्योंकि ये हम में से सबसे प्यारी है। इसको हम कुछ भी किए तो ये कभी कभी नाराज हो जाती है, और कभी कभी इतना पास ले लेती है। इधर बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है पूरी, मतलब कुछ भी नहीं करती, ये भी बहुत शांत रहती है कभी कभी। और इसकी और एक सिस्टर है छोटी छोटी, जो ज़्यादा महीने नहीं, उसे 3 महीने की है। इसका नाम हमने गोकुलाबाई रखा था, क्योंकि ये गोकुल अष्टमी को गोकुल जन्म के दिन हुई थी, इसलिए हमने इसका नाम गोकुलाबाई रखा था। पर इसके आने से हमारे घर में बहुत, इसका नाम हमने चेंज किया, इसका नाम हमने अब लक्ष्मी रखा है। बहुत क्यूट है, मतलब छोटे छोटे है, भागता भी बहुत है, अगर छूट गया तो बहुत भागता है ये भी। हम इसको दोपहर को छोड़ते रहते हैं, और इधर ये खाते रहता है, मतलब कभी भी। और अगर मैं इधर ऐसे बैठ गया, समझो मैं इधर बैठ गया ऐसे, तो थोड़ी देर वो बहुत गुस्सा करेगी, और बाद में ऐसे पास ले लेगी मुझे, कुछ भी नहीं करती, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट। ये देखो 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 देखो, बहुत सॉफ्ट है, मतलब ये हमारे तीनों काऊ है घर में के, कुछ भी नहीं करते, बहुत पास है। मैं रिकमेंड तो करूँगा कि अपने घर में एक काऊ होने ही चाहिए, बहुत भारी रहते और ऐसे अच्छा भी रहता है, मतलब माहौल बहुत, जब से हमारे घर में काऊ आई है तब से माहौल बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब घर में अभी काऊ आने के बाद से। और ये तो हमें बहुत थे लगाती है, मतलब बहुत पास ले लेती है, अगर हमें ऐसे पास ले ली, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो ये था मेरा घर के काऊ का इंट्रोडक्शन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं मेरे पेट्स दिखाऊं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो चलो बाय बाय, मुझे अब इससे खेलना है।